हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सैंडी के मैरा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेफ्टम टैबलेट्स के बारे में। ये टैबलेट किन कंडीशन में यूज़ की जाती है, इसके यूजर्स, साइड इफेक्ट्स, डोज और इसकी सेफ्टी एडवाइस के बारे में जानेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, जो सेफ्टम टैबलेट्स है, जो ग्लैक्सो स्मिथ कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है। इसकी एक स्ट्रिप में 4 टैबलेट्स होती हैं, जिनका प्राइस 231 रुपीस है। और इसमें कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें फेग्जिम एक्सडेल 250 mg पाया जाता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं इसके यूज के बारे में, जे किन कंडीशन में यूज़ की जाती है। दोस्तों, ये टैबलेट एक तरह की एंटीबायोटिक मेडिसिन है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए यूज़ की जाती है। ये जैसे यूरिन इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है, UTI में, साइनोसिस इन्फेक्शन में, ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शन में, टॉन्सिल की इन्फेक्शन हो, या फिर गले की, कान की, या फिर किसी तरह की जख्म के बाद होने वाली इन्फेक्शन, या फिर गले में खारिश हो रही हो, तो तब इन कंडीशन में ये टैबलेट यूज़ की जाती है। आफ्टर ऑपरेशन भी ये टैबलेट यूज़ की जाती है इन्फेक्शन को रोकने के लिए, और गनोरिया जैसी डिसीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जाती है पेशेंट। तो दोस्तों, ये तो थे इसके यूजर्स, अब जान लेते हैं इसकी डोज के बारे में। डोज पेशेंट के वेट और उसकी जो बीमारी है, मीनिंग उसको किस तरह की इन्फेक्शन हुई है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर प्रस्क्राइब करते हैं। अब जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। साइड इफेक्ट्स जैसे पेशेंट को नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, अबडोमिनल पेन और डायरिया हो सकता है। अब जान लेते हैं इसकी सेफ्टी एडवाइस के बारे में। अगर आपको एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो डॉक्टर को बताकर ही ये टैबलेट का यूज़ करें। और अगर आपको किडनी, लीवर की प्रॉब्लम है, या फिर आपका पुअर न्यूट्रिशन लेवल है, या आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, तो तब भी आप डॉक्टर की एडवाइस से ही ये टैबलेट का यूज़ करें। और प्रेगनेंसी और ब्रेस्टफीडिंग मदर भी डॉक्टर की एडवाइस से ही ये टैबलेट का यूज़ करें। तो दोस्तों, ये तो थी सेफ्टम टैबलेट्स के बारे में जानकारी। अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।